हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज हम ये बैग बनाने वाले हैं। ये काफ़ी खूबसूरत बैग है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से ये हमारी जिप आएगी और इसमें मैं आपको सामान रख के दिखा रही हूँ ताकि ये पूरा फिनिशिंग से आपको दिखाई दे। तो आज हम यही वीडियो बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी खूबसूरत बैग है फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको बनाने में। और इसमें ज़्यादा भी कपड़ा वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगता। ये मैंने अपने एक सूट के कपड़े का बचा हुआ पीस मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ताकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा सामान हमने रख लिया है। तो अब हमें फटाफट मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो दो पीस मैंने ये लिए हैं। ये कपड़ा मेरे किसी सूट से बचा हुआ था पर इसकी कढ़ाई मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने बैग बनाने का सोचा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मैं इसको इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ 12 इंच है, ये देखिए ये 12 इंच, और यहाँ से है ये 9 इंच। हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा ही है। और ऐसे ही हमने दो पीस ये लिए हैं और इसको ये हमने कुछ शॉपिंग बैग लिया है जो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स, ये एक पीस हमने ये ले लिया इस तरीके से। और ये मैंने डबल शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये हमने इसको इस तरीके से लगाएंगे। और इसके ऊपर ये वाला पीस रखेंगे इस तरीके से और पिनअप कर लेंगे फ्रेंड्स। पहले पिनअप करने के बाद हम इस पर सिलाइयाँ लगाएंगे डब्बे डब्बे वाली। तो इस एक पीस हमारा ये हो जाएगा तैयार और एक पीस हमारा ये हो जाएगा तैयार। ये तो ये दो पीस हो गए हमारे फ्रेंड्स, तो इनको मैं साइड में कर देती हूँ। उसके बाद ये हमने एक बद्दी ली है, इस बद्दी को भी हम बाद में कट करेंगे। फिर भी मैं आपको इनकी लेंथ बता देती हूँ कि हमें ये कितना बड़ा चाहिए फ्रेंड्स। मुझे इसकी बद्दी की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इतनी ले रही हूँ। तो इसका मैं आपको बता रही हूँ नाप, तो आप अपनी बद्दी जिस हिसाब से आप यूज करना चाहें उस हिसाब से आप यूज कर लीजिएगा। मैं 20 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये हम दो बद्दी कट कर लेंगे 20 इंच की। तो ये हो गया, एक मैंने जिप लिया है, ये जिप मेरा 17 इंच की है फ्रेंड्स। तो ये एक जिप हो गई मेरी, हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी लेंगे, बाद में हम कट कर लेंगे अगर हमें ज़्यादा बड़ी लगी तो फ्रेंड्स। तो ये हो गया। और ये हमने कुछ और शॉपिंग बैग लिए हैं और अभी हमारा थोड़ा सा कपड़ा ये बचा हुआ है और ये कपड़ा बचा हुआ है मैचिंग के लिए। और एक ये पीस लेंगे, इसकी चौड़ाई 4-4 इंच है फ्रेंड्स, 4-5 4.5 है फ्रेंड्स। तो 4.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 18 इंच है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही है लंबाई में, इसको हम बाद में जब हम बनाएंगे तभी हम इसको कट करेंगे। इसके साथ ही हम एक पीस ये वाला लगाएंगे और इसके अंदर भी एक शॉपिंग बैग लगा के इसको भी हम सिलेंगे फ्रेंड्स। और एक पीस हमारा ये हो गया फ्रेंड्स, इस ये हमारा 25 इंच का टुकड़ा है, 25 इंच। ये भी हमारा एक्स्ट्रा लेंथ है इसकी, इसको भी हम बाद में कट करेंगे फ्रेंड्स। और इसके नीचे भी हम एक शॉपिंग बैग लगाएंगे और ऐसा ही हम एक कपड़ा इसके नीचे भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो ये हम सारे पीस तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस सारे सिल गए हैं। अब मैं इनका फटाफट नाप बता देती हूँ कि अभी हमारा किस तरीके से सिल गया है, तो अब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ये दो पीस लेंगे, ये देखिए इस तरीके से सिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये सिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर एक राउंड शेप देंगे, ये इस तरीके से ऐसे शेप देंगे और इस शेप को देके हम इसको कट करेंगे गोलाई से इस तरीके से। और सेम हम फिर यहाँ पर करेंगे इस तरीके से, इसको यहाँ लगाएंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे पलटेंगे, इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे इसी की शेप से।
तो ये दोनों पीस हमें ऐसे ही चाहिए फ्रेंड्स। ये हो गया इस तरीके से फ्रेंड्स, ये ऐसे होगा। तो ये हो गया, नीचे वाला भी हम ऐसे कर लेंगे। तो ये दो पीस हो गए। एक ही हमने पॉकेट के लिए, अंदर के लिए यूज करने के लिए लगाई, पॉकेट बनाई है, तो ये इसको हम अंदर सिलेंगे। ये इस तरीके से सिलेगी फ्रेंड्स, इस तरीके से सिलेगी। और इस पॉकेट को हम इस तरीके से अंदर लगा लेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस जगह से फोल्ड कर देंगे एक एक पायदान की सिलाई, और यहाँ से भी, और यहाँ हम एक एक सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। तो मेरा ये पीस भी हो गया, ये पीस भी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है इस पर हम 5.5 इंच मार्क करेंगे। ये देखिए 5.5 इंच इस तरीके से, 5.5 इंच दोनों तरफ 5.5 इंच मार्क हो गया है फ्रेंड्स। और इसकी जो हमने लेंथ ली थी शुरू में, वो हमने 12 इंच ली थी। वो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्स्ट्रा है, बाद में हम इसको कट करेंगे। तो उसके बाद हमने जो हमारा कट होने के बाद, तैयार होने के बाद 11 इंच का तैयार हुआ है फ्रेंड्स ये। और ऐसे हमारी ये 9 इंच, तो ये ऐसे ही ये पीस तैयार हो गया है। और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो हमने ये बड़ी सी पट्टी हमारी सिल गई है, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से, इस चीज़ को यहाँ से सिलेंगे। और इसको सिलते सिलते यहाँ से इस तरीके से ये सिलेगी फ्रेंड। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा थोड़ा बहुत, वो हम कट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा ही है, तो जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर लेंगे। तो ये भी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद ये वाला पीस है जो हमें ऊपर की तरफ लगाना है, और इसमें हमें जिप भी लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को पहले बीच का सेंटर निकालेंगे यहाँ से। तो बीच का पहले मैं इसको फिनिशिंग से कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और फिर इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा कट कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फोल्ड करने के बाद हम इस पर हल्का हल्का चौक चला देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा बीच का सेंटर आ गया है। ये इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने इस पर सिलाई ऐसे ऐसे लगाई है, अभी ऐसे नहीं लगाई है, क्योंकि मैंने जब तक बीच का सेंटर नहीं निकलेगा इसलिए मैंने सिलाई नहीं लगाई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ सिलाई लगा लेंगे, बीच में से हम कट करेंगे क्योंकि हमें जिप भी लगानी है। तो ये देखिए हमें इस तरीके से जिप लगानी है। तो पहले हम यहाँ इसको सिल के इसको बीच में से कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक किनारी बनाएंगे। किनारी बनाने के बाद फिर हम इस जिप को लगाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं पहले इस पर सिलाई लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं जिप लगाना बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीच का ये सेंटर लगा लिया है, और बीच में से कट करने से पहले ये मैंने एक वाइट कलर की पट्टी ली है। अगर आपके पास इसी की मैचिंग का कपड़ा बचा हुआ हो तो आप वो यूज कर लीजिएगा। इसमें मेरा थोड़ा वाइट कलर का ये कढ़ाई हुई है, तो इससे थोड़ा मैं वाइट कलर का कपड़ा थोड़ा यूज कर रही हूँ। तो मैं इसके नाप से 1.5 इंच की दो लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो पट्टियाँ कट कर ली हैं लंबी लंबी। अब हम बीच में से भी इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में से कट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम एक यहाँ पर इस पर एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से, अब इसको इस तरीके से किनारे के तौर पर पलट देंगे। या फिर आप ऐसा कीजिए कि ऊपर नीचे से इस पट्टी को रखिए, नीचे से सिलिए, और ऊपर भी ये किनारे का ही काम करेगी फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऊपर भी सिलेंगे तो। तो मैं इस पट्टी को सिल लेती हूँ, मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ सिलूंगी फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मैं दोनों पट्टी ऐसे ही इसमें जॉइंट कर लूँगी। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने किनारी सिल ली है, ये मैंने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फोल्ड किया है इसको। ये इस तरीके से होगी। अब क्या करेंगे, अब हम इस जिप को इसमें लगाएंगे फ्रेंड्स। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके ऊपर डायरेक्ट सिल देंगे। हमें कोई मोड़ना तोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, सिर्फ हमें इसके ऊपर इसको रख के सिलना है। तो मैं ये सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, सिलने से पहले आप पिनअप करना ना भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जिप सिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो पीस को आपस में यहाँ से सिल लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये मेरा यहाँ से सिल गया है। और देखिए ये दोनों पट्टी आपस में बराबर रहनी चाहिए, यानी कि हमारी चौड़ाई दोनों आपस में मिलनी चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया। एक मैं यहाँ से छोटा सा ये पीस लेके इसको यहाँ से बंद कर दूँगी। तो ये चीज़ भी मैं कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो मेरे दोनों पीस हैं उनमें से एक पीस में हम जेब लगा रहे हैं। तो मैं इस जेब को इस तरीके से रखूँगी। नीचे से हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में सिलाई में आ जाएगा, और ऊपर से हमने पहले ही इस तरीके से फोल्ड करके सिला है कि इसमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड हम यहाँ से आधा आधा पायदान की सिलाई लेके इसको हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे और यहाँ हम इसको पक्का कर लेंगे। तो मैं पक्का कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, मेरी ये जेब भी पॉकेट सिल गई है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो हमारे साढ़े पाँच इंच पर जो हमने निशान लगाया है, साढ़े पाँच या साढ़े पाँच ये चीज़, और उससे पहले ये जो हमारी 20-20 इंच की हमने जो पट्टियाँ कट की हैं इसको हम पहले ही सिल लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सिलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे और इसके धागे ना निकले इस, तो इससे अच्छा ये इसको हम इस तरीके से लाइटर जला के इसको इस तरीके से दबा लेंगे ताकि इसके ये धागे ना निकले, ये हमारा अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने गोलाई की थी इस तरीके से हम बीच का सेंटर निकाल रहे हैं। ये हो गया। दो इंच और दो इंच इधर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको इस जगह पर इसको सिलेंगे, यानी कि ये बीच के चार इंच छोड़कर हम इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे दोनों तरफ से। और पक्का करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये बद्दी लग चुकी है। तो हमें इस तरीके से बद्दी लगानी है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें ये उल्टा पीस करना है, यानी कि यहाँ से भी उल्टा और यहाँ से भी उल्टा। और ये जो पीस है इसको हम, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पर ये किनारी पे हमने इसको यहाँ से पक्का कर दिया है जॉइंट पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हिस्से को इस तरीके से लेंगे, ये ऊपर वाले को यहाँ से। तो हमारे जो साढ़े पाँच का हिस्सा, साढ़े पाँच इंच हमने नापा था, उसी पर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम इसको पिनअप कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पिनअप कर लिया। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से सिलते चलेंगे फ्रेंड्स। इसको यहाँ से पूरा ऐसे करके इसको यहाँ पर ला कर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ इस जगह से छोड़ देंगे। इसको पूरा यहाँ तक नहीं लाएंगे, साढ़े पाँच तक, थोड़ा यहाँ पीछे ही छोड़ देंगे ताकि हम इसको बाद में कट करके उसके हिसाब से इसको लगा सकें। तो पहले मैं यहाँ से ये सिलाई लगा लेती हूँ और दूसरी फिर यहाँ से इसको ये इस तरीके से हम यहाँ से सिलते हुए लाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम जो हमारा साढ़े पाँच इंच ये जो निशान है यहाँ से हम इसको आधा इंच यहाँ से हम इसको यहाँ तक ही सिलेंगे ताकि हम बाद में ये हिस्सा कट कर सकें और फिर इन दोनों हिस्सों को मिलाकर हम सिलेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से सिल लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये देखिए ये हिस्सा भी हमारा जो हमें ऊपर सिलना था, ये देखिए ये जो हमें कट करना है एक्स्ट्रा, वो हम इस तरीके से कट करेंगे कि देखिए यहाँ से ये निशान है और ये निशान हमने लगा लिया है और एक्स्ट्रा आधा इंच का भी निशान हमने लगा लिया है। तो हम इसको आधा इंच के निशान पे कट कर रहे हैं। तो ये हमारा कट हो गया जो हमारा एक्स्ट्रा था। और ऐसे ही हम इसको करेंगे कि इसको इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच ये यहाँ पर आ रहा है तो आधा इंच यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स। तो हम आधा इंच के इस पर भी निशान लगा लेते हैं और इसको भी हम कट कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा कट हो गया। अब देखिए, अब हम इस हिस्से को इस तरीके से इसको सिलेंगे यहाँ से,
और फिर हमारा यहाँ पर 5.5 पर ही ये बिल्कुल नाप से आएगा। तो मैं इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिल लिया है यहाँ से। अब इसे इसके साथ सिलने से पहले हम यहाँ से इसको भी हम बंद कर देंगे। तो ये हमने पट्टी ले ली है, इसको भी हम इसी तरीके फोल्ड करके ये सब यहाँ से बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद हम इसको भी यहाँ से सिल देंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी सिल गया है, कवर हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस वाले हिस्से को भी इस तरीके से सिलेंगे। तो सिलने से पहले ये चीज़ याद रखना कि हमें कहाँ से सिलना है, कैसे सिलना है। तो हम ये वाला 5.5 वाला पॉइंट याद रखना, 5.5 वाले पॉइंट को उसी पॉइंट पर मिला के सिलना फ्रेंड्स। उससे आपका ये बिल्कुल बराबर आएगा, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होगा। तो 5.5 पॉइंट का याद रखना, 5.5 पॉइंट पर ही पिनअप कर लेना और फिर इसको सिल देना। तो मैं सिल लेती हूँ। और उसके बाद हमें पाइपिंग पट्टी चाहिएगी फ्रेंड्स, ताकि हम इस पर पाइपिंग पट्टी से इसको कवर कर सकें। तो मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि हमें पाइपिंग पट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो पाइपिंग पट्टी भी हम कट कर लेंगे और हम फिर इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो मैं पहले ये सिल के दिखा देती हूँ, फिर हम पाइपिंग पट्टी जॉइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये यहाँ से सिल गया है। अब हम इस पर पाइपिंग पट्टी जॉइंट करेंगे। तो मैं इस सारे हिस्से में, इस जगह पर सारे में पाइपिंग पट्टी जॉइंट कर लूँगी और इधर भी सारे में पाइपिंग पट्टी जॉइंट कर लूँगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर पाइपिंग पट्टी जॉइंट कर लिया है। मेरे पास पूरी नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने दूसरे कलर की पट्टी लगा दी, क्योंकि हमें तो अंदर कोई से भी कलर की पट्टी लगा सकते हैं। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ओपन कर लिया है और ये काफ़ी अच्छा बना है फ्रेंड्स। मैं आपको इसमें सामान रख के दिखाऊंगी, ताकि आपको ये एकदम फिटिंग का सा दिखाई दे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सामान डाल लिया है। और देखिए कितना सारा इसमें हैवी सामान आ गया है, काफ़ी सारा और अच्छा खासा। ये देखिए चैन वगैरह अच्छे तरीके से ये हो गया। मैं काफ़ी मैंने इसमें सामान डाला है फ्रेंड, पूरा ये बहुत अच्छा तैयार हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना कितना ईजी, घर में ही कुछ ना कुछ बनाना कितना ईजी है। तो आप भी ऐसा कुछ ना कुछ बनाइए, कुछ ना कुछ यूज कीजिए। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए बाय।